गाड़ी मुझे आती नहीं है ना, हम इंग्लिश इंग्लिश कोशिश कर रहे थे इंग्लिश में बात करें। ठीक है, बात करें आज के इवेंट के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? इतने साल से अरे नहीं, हम सबका इवेंट है, ये मुंबई पिंकथॉन मुंबई का इवेंट है, मुंबई की महिलाओं का इवेंट है। नहीं तो हमने पिंकथॉन या पिंकथॉन की शुरुआत हुई 4 साल पहले ये समझ के कि एक ऐसी जगह ज़रूरी है जहां महिलाएं एक साथ आए और अपने हेल्थ के बारे में बात करें। और क्योंकि मुझे रनिंग बहुत पसंद है, हमने एक रनिंग इवेंट बनाया तो उसका नाम था पिंकथॉन। तो हमने देखा जब हमने ये इवेंट बनाया और हमने बोला, हमने कहा कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो इतनी महिलाएं आई इससे इसके साथ जुड़ने के लिए, सिर्फ मुंबई में नहीं लेकिन पूरे देश में, हम 8 शहरों में पिंकथॉन करते हैं। तो हमें समझ में आया कि लोग चाहते हैं, महिलाएं उनको पता है कि कुछ करना ज़रूरी है लेकिन थोड़ी सी इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा मोटिवेशन उनको चाहिए। तो वो जो प्रोत्साहन है हम देना चाहते हैं इसके ज़रिए, और बहुत अच्छी तरह से वो पिंकथॉन आगे बढ़ा है आज तक। पिछले साल 8 शहरों में कम से कम 75,000 महिलाएं दौड़ी और चली भी। ऐसा नहीं कि ये रनर्स के लिए इवेंट है या एथलीट्स के लिए इवेंट है, ये ऐसे महिलाओं के लिए इवेंट है जो कभी अपने घर के बाहर नहीं आते, जो कभी एक्सरसाइज नहीं करते, जिनको कभी समय ही नहीं मिलता। तो जब वो यहाँ आते हैं और देखते हैं कि हज़ारों महिला इसमें भाग ले रही है, तो वो एक ये होता है कि ये ठीक है, ये अच्छा है, अगर इतनी सारी महिलाएं ये कर रही हैं तो हम भी कर सकते हैं। और सिर्फ इस दिन पर नहीं, हर रोज़ अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हम हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक वो सबसे अच्छी चीज़ है इज दैट यू नो अवेयरनेस, देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, अच्छी चीज़, देयर इज अवेयरनेस, देयर इज अ लॉट ऑफ टुगेदरनेस, एंड आई थिंक फॉर वुमेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एकत्र मराठी थे, एंड आई थिंक टू ब्रिंग ऑल दीज वुमेन टुगेदर हमारा देश में वो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ ऑब्वियसली मैं फर्स्ट पिंकथॉन में मुंबई में मैं 10 किलोमीटर किया, और इस साल मिलन बोल रहे हैं कि 21 किलोमीटर्स करना पड़ेगा, तो मैं कोशिश तो करूँगी, सो होपफुली। और मैं बहुत अच्छी किया, 10 किलोमीटर में 13th आई, तो 13th अच्छी है ना। थैंक यू।